संजय प्लेस स्थित प्राइड एकेडमी द्वारा विक्ट्री सेलिब्रेशन कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस दौरान 9वीं और 10वीं में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का टीका लगाकर सम्मान भी किया गया। संजय प्लेस स्थित प्राइड एकेडमी द्वारा विक्ट्री सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 9वीं और 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का टीका कर स्वागत सम्मान किया गया। हमारे यहाँ आज छोटे बच्चों का पहली बार एंट्रेंस हुआ है। अभी तक हम IIT और नीट के बच्चों को प्रिपरेशन कराते थे, अब से हमने 9th क्लास के बच्चे स्टार्ट करें 9, 10, 11, 12। तो आज पहला दिन है जिसमें कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स आए हैं और उनका हमने वेलकम किया है और अब हम उनको उस लेवल पे पहुँचाएंगे जिस लेवल पे ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में बच्चे को फाइट करना होता है। 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इस पीरियड में बच्चे को अगर आप स्मॉल स्मॉल थिंग्स समझाएंगे बट वो कॉन्सेप्ट के साथ, तो फिर वो बच्चा 10 पास करके एक ऐसी पोजीशन पे आएगा कि उसको आसानी से JEE और नीट लेवल पकड़ लेगा। तो ये मोटिव है इस कोर्स के पीछे। और सब फैकल्टीज हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट हम लोग 9, 10 में ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। संस्था का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं की बेसिक नींव को मजबूत करना है। संस्था IIT, नीट, JEE, फाउंडेशन क्लासेस की तैयारी कराती है। यही वजह है कि तैयारी करने वाले छात्र छात्रा प्रत्येक वर्ष अपनी कामयाबी को छू रहे हैं। बच्चों को 9th से डील करेंगे, 9th और 10th में उनका बेस बनाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे कि 10th के बाद जब वो 11th में आए तो वो वाकई में लगे कि वो 10th पास हैं। प्रीवियसली हम 11th से बैचेस ले रहे थे, तो 11th में हमारे पास जो बच्चे आते थे वो बच्चों का हमें इम्प्रूवमेंट 2-3 महीने में तो हमें उनको उस लेवल पे लाना पड़ता था कि हाँ अब ये इस लायक हो गए कि ये अब ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये फीलिंग आई कि 9th, 10th में ही हम बच्चों को अपने साथ इम्प्रूव करें, उनका लेवल इम्प्रूव करें और फिर उसके बाद उनको ये जो पीरियड होगा 10th के बाद का ये वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। Day 1 से वो बच्चे एकदम स्पीड पकड़ेंगे और तभी वो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं के पेरेंट्स सहित एकेडमी के सभी फैकल्टी मौजूद रहे। इस दौरान प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान किया गया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।